ऑलराइट गाइस, सो आज की वीडियो होने वाली है रिव्यू, और रिव्यू होगा परफ्यूम का, जो कि तुम्हारा भाई हमेशा अलग अलग परफ्यूम्स लेके आता है फॉर मैन, तो ये भी एक मैन परफ्यूम होगा, तो ये गर्ल्स के लिए नहीं होगा, तो इसका रिव्यू हम ओनली मैन परफ्यूम के लिए कर रहे हैं। तो इसका बॉक्स मेरे पास है नहीं, पर मैं हमेशा हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ और हॉनेस्ट चीज़ें बोलता हूँ अपने इस वीडियो में। ये लाया हूँ अपने दोस्त से, मुझे तो रिव्यू करने से मतलब है, ठीक है भाई। और मैंने इसको यूज़ करा एक हफ्ते, उसके बाद ही मैं देन ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पे अच्छी चीज़ दिखाना पसंद करता हूँ। तो इसके ना कुछ स्पेसिफिकेशन हैं, क्योंकि इसका बॉक्स है नहीं मेरे पास, बॉक्स तो उसने फाड़ फूड़ के फेंक दिया भाई। तो अभी लाइव तुम्हारे सामने सैंपल ये है, तो ये उस तरह का स्कूबा है 100 ml, और ये पड़ रहा है अभी 262 rupees का फ्लिपकार्ट में, 100 ml, 50 ml नहीं 100। इसके दो वेरिएंट आते हैं, 100 ml और 200 ml, तो ये 100 ml है। जैसे ओशियन होता है ना, लाइक वैसा ही इसका रंग है एकदम ब्लू, तो देखो आपको दिख रहा होगा, मैं इसमें थोड़ा बहुत दिखूंगा, अगर मैं ऐसा देखूंगा ना तो सब ब्लू ब्लू दिख रहा है, नीचे डार्क है, और नीचे भी बहुत चीज़ें लिखी है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बाकी मैं इसमें पढ़ के दिखा देता हूँ। डीप ब्लू फ्रेशनेस ऑफ स्कूबा लोडेड विथ 3x मोर फ्रेग्रेंस देन डिओड्रेंट एंड नो गैस, तो ये गैस वाला नहीं है, ये वाटर वाला है। इट्स अ फ्रेशर एंड डीप सिया, और इसमें लिखा है टॉप नोट्स दैट आर लिवली ब्राइट एंड क्लीन एंड स्पाइसी टोन एट द बॉटम एंड श्योर लास्टिंग फ्रेग्रेंस फॉर मैन, तो ये चीज़ तो हमने पढ़ के बता दी। इसकी क्वांटिटी 100 ml है, आइडियल फॉर मैन फ्रेग्रेंस क्लासिफिकेशन परफ्यूम फ्रेग्रेंस फैमिली फ्रेश फ्रेग्रेंस सेगमेंट बजट बेस नोट टोम का सैंडलवुड, तो इसमें लिखा है हार्ट नोट लेवेंडर पाइनएप्पल, तो काफ़ी चीज़ें मैंने बोल दिया इसमें। चलो भाई अब दिखा रहे तुम्हें, और ये इसका बॉक्स ऐसा होता है, पर ये भी है नहीं, और इस सामने स्कूबा इसका ना मॉडल नेम है, और ये उस तरह का है स्कूबा, ये लिखा भाई उस तरह के भी बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं, जो कि मैंने अपने इसी चैनल पर रिव्यू कर रहे हैं, तो इसको रिव्यू करते हैं। और इसकी जो कैप है काफ़ी हल्की है, लाइट है, यहाँ से देखने में आपको लगेगा ये सिल्वर है और बहुत भारी है, तो ये बहुत लाइट है। और इसकी फ्रेग्रेंस हाँ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी माइल्ड और अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम नहा के आते हैं, नहाने के बाद जो हमारी बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस आती है वो हर साबुन में नहीं होती। सिंथॉल का एक साबुन आता है, मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्ड में, सिंथॉल का एक साबुन आता है मेंथॉल वाला ब्लू कलर का, आप जब उसको अपनी बॉडी पे लगाओगे और नहा के आओगे ना, जब आप उसको टावल से पोछोगे अपनी बॉडी को, तो उसके बाद स्मेल करना एकदम वैसे वाली आती है ना फ्रेश, तो ये वही है फ्रेश, इसकी फ्रेग्रेंस का नेम ही यही है फ्रेश। तो जैसे भी कोई फ्रेग्रेंस को हम स्मेल करते हैं ना, तो उसके भी एक मीनिंग होता है, तो इसको जब मैं स्मेल करता हूँ ना तो पूरा लाइक फ्रेश, क्योंकि जब हम नहा के आते हैं तो हम एक ना फ्रेश फील करते हैं, तो इसकी फ्रेग्रेंस वैसी है सेम, तो मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ। मैंने हल्का सा मारा है और काफ़ी सही है, एक स्प्रे में इतना ज़्यादा फैल गया भाई, दिख रहा होगा कोई गीला गीला सा चढ़ गया भाई। वही चीज़ मैं बोलता हूँ ना डायरेक्टली, यार बंदे बोलते हैं ना मेरे को कॉमेंट में कि भाई डायरेक्ट मारो स्मेल करो, भाई मैं गंजेड़ी और वो नहीं हूँ, मेरे को आदत नहीं है भाई ये सब चीज़ें करने की, भाई मैं हमेशा रब करता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो रब करने के बाद जो स्मेल हटेगी मेरे को वो देखनी है। हाँ सही है, वो होता ना गंजेड़ी भाई इसको रब नहीं करते, अरे भाई तुम सूंघते हो, मेरे को ये सूंघने की ना वो नहीं आदत, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है भाई, 80% अल्कोहल होता है इनमें, और डायरेक्ट मारूंगा वो मेरे यहाँ चढ़ के यहाँ आएगा भाई। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, आप इसको ट्राई करना, मार्केट में इसके सैंपल होते हैं छोटे छोटे इतने पीस, जो कि पड़ते हैं 5 पीस आता है वो 550 का, उसके 5 पीस होते हैं ऐसे अलग अलग, तो इसका ना सैंपल यूज करना, किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाना, वहां पे आपको स्कूबा मिल जाएगा ब्लू कलर का, उस पर आप ना ट्राई करना और आप देखना भाई, कसम से इसकी फ्रेग्रेंस बहुत प्यारी है। बॉडी में मारता हूँ,
भाई कसम से जिम में, ऑफिस में, पार्टी में, या आपको कहीं भी क्लब जाना है वहां पे भी यूज कर सकते हो। और इसकी लॉन्ग लास्टिंग अगले दिन तक है, मतलब 24 घंटे अगले दिन तक। मैंने देखा भाई सुबह उठ के अपनी बॉडी में भी और टी शर्ट में भी इसकी फ्रेगनेंस थी। और मैंने एक, मेरे पास ना जिम की कंप्रेशन टी शर्ट है, उसमें लगा के देखा था भाई, कसम से वो धोई मैंने उसको, देन अगले दिन मतलब सुखाया तो क्या हुआ, फ्रेगनेंस ज्यादा हैवी नहीं थी, थोड़ी लाइट हो गई थी, पर फ्रेगनेंस थी। मतलब कपड़े धुलने के बाद भी इसकी फ्रेगनेंस है, पर थोड़ी लाइट थी, पर थी। स्टिल ये काम करता है भाई, मेरे को ये सही लगा, मजाक छट के। बाकी आप एक बार मेरे कहने से ना किसी भी शॉप पर जाओ और इसको ट्राई करो, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है भाई कसम से। और मुझे ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम फ्रेगनेंस वाले पसंद नहीं है, तो इसलिए ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्का सा स्ट्रॉन्ग है और स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग है, उसके 6-7 मिनट बाद ये लाइट हो जाता है। जैसे मैंने इसको रब करा ना तो ये लाइट हो गया। बहुत से परफ्यूम ऐसे होते हैं कि आप जितना भी रब कर लो वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे और वो सर दर्द कर देते हैं, तो ऐसे परफ्यूम मैं यूज करता ही नहीं। मेरे सारे परफ्यूम या तो यूनिसेक्स होंगे कि गर्ल्स भी यूज कर सकती है बॉयज भी, तो यूनिसेक्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो गर्ल्स के लिए बने भाई, यूनिसेक्स का मतलब ये होता है कि मतलब वो दोनों यूज कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज, तो इसका मतलब वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये मुझे बेस्ट लगा, ये यूनिसेक्स नहीं है बट ये थोड़ा सा स्ट्रांग है। थोड़ी देर बाद ये लाइट हो जाता है, देखो ये लाइट हो गया भाई कसम से, इसकी फ्रेगनेंस बहुत प्यारी भाई, भाई बहुत प्यारी इसकी फ्रेगनेंस है। और ये विंटर में भी और समर में भी यूज कर सकते हो, तो मैंने अभी समर में तो इसे यूज करा है और इसके थोड़े मैंने रिव्यूज देखे थे विंटर के, तो उसमें भी ये बेस्ट था, और समर में तो ये भाई चल रहा है। क्योंकि अगर आज सुबह लगाऊंगा तो मैंने अगले दिन सुबह देखा भाई ये सही में इसकी फ्रेगनेंस थी भाई मेरे कपड़ों में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी आपके ऊपर है कि आपको ये पसंद आएगा नहीं आएगा, तो ये तो आपकी भाई हेडेक है। तो भाई मेरा काम है रिव्यू करना और मैंने इसको रिव्यू करा है बहुत ही हॉनेस्टली। तो बाकी लाइक और सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो इतनी है, और इसके लिए लाइक बनता है और मेरे लिए भी, और नीचे भी काफी चीजें लिखी है। इसकी एक्सपायरी है, ये पहले बताता हूँ आपको ये कब बना है, ये बना है 11/2023 और इसकी एक्सपायरी है 10/2024, तो अभी चल रहा है 24, तो 25/26 दो साल है भाई, खूब चलाओ। और 100 ml के हिसाब से ये शीशी वाली बोतल है भाई, और गिरे गिरे टूट जाएगी, पर मैं तोड़ के दिखाऊंगा नहीं क्योंकि हमें यूज करनी है। और कि बाकी कैप हल्की है आपको लगेगी देखने में, बाकी मैग्नेट वैगनेट नहीं है, बस आपको इसको पुश करना है और ऐसे निकालना है। बाकी इसकी देखो भाई डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, और इसमें ना थोड़ा सा शाइन हो रहा है कि सब कुछ दिख रहा है, मेरा फोन वोन गिम्बल। चलो भाई ठीक है, इतनी वीडियो है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो ये थी रिव्यू, तो इसे एंजॉय करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट में, तो फ्लिपकार्ट का मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके खरीद लो। चलो ठीक है, बाय, लाइक सब्सक्राइब, बाय। Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind. I hang around people I don't even like, if they can be happy and walk with a smile.